महिला उत्पीड़न रिकॉर्ड संख्या में पहुंच गया है जो बेरोजगार हैं उनको लाठियों से पीटा जा रहा है बत्तीस लाख किसानों के ऋण माफी का वादा था कुछ नहीं हुआ इस प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उनके तमाम करीबी जो है उन पर आरोप लगा भ्रष्टाचार का अधिकांश लोग जेल के भीतर है खुद हेमंत सोरेन पांच महीने के बाद आए हैं तो हमें लगता है फ्लो टेस्ट शायद ये जीत जाए लेकिन जनता का विश्वास तो हार चुके हैं साहब हमारा तो आरोप ये है कि ये हेमंत सोरेन रिटर्न्स नहीं ये करप्शन रिटर्न्स वाली सरकार है क्योंकि हेमंत सोरेन वन के पूरे टेन्योर को हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया था और चंपई सोरेन को सिर्फ इन्होंने पाँच महीना दिया वो गाड़ी चलनी शुरू हुई थी कि बीच गाड़ी बीच रास्ते में इन्होंने गाड़ी को डिरेल कर दिया और चंपई सोरेन का अपमान किया कोल्हान के आदिवासियों का अपमान किया तो जाहिर तौर पर इस प्रदेश में सोरेन परिवार जो चाहता है बिल्कुल वही होता है वंशवादी पार्टियाँ में होता भी वही है और पावर जो है वो परिवार के बाहर कभी नहीं जाता है एक गरीब आदिवासी के घर में पैदा हुए चंपई सोरेन की कोई वजूद नहीं है इस पार्टी में वो उन्होंने दिखा दिया और फ्लोर टेस्ट की जहाँ तक बात है नंबर्स नंबर्स शायद आज आपके पक्ष में हो पर आपको याद रखना चाहिए कि आज छियालीस सैंतालीस विधायकों का समर्थन का दावा कर रहे हैं लेकिन हाल में हुए लोकसभा चुनाव में विधानसभावार सीटों की बात करें तो आप सत्ताईस सीटों पर सिमट गए थे तो जनता तो जान गई है कि अब उनके साथ क्या करना है देखिए जिसे लोग स्मार्ट मूव मान रहे हैं हम मानते हैं कि हेमंत सोरेन का डर है कि वो कैबिनेट विस्तार पहले नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जो पुराने मंत्री हैं वो भी मंत्री बनना चाहते हैं साहब दो तीन महीने के लिए कौन नहीं चाहेगा कि जितना लूट सको तो लूट लूट क्योंकि इस सरकार का तो धेयी लूट और भ्रष्टाचार रहा है और जो नए मंत्री हैं वो चाहते हैं कि दो तीन महीने का समय भी क्यों छोड़े दो तीन महीने के लिए मंत्री बन जाए और इस बहती गंगा में हाथ धो लें लूट और भ्रष्टाचार की ये गंगा में तो साफ तौर पर हमारा मानना है कि सरकार में जनता की सेवा करने के लिए कोई मंत्री नहीं बनना चाहता सिर्फ अपनी सेवा अपने लिए अकूट धन इक इकट्ठा करने के लिए लोग मंत्री बनना चाह रहे हैं तो एक बार हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार कर ले उसके बाद देखिए सरकार पर क्या आफत आती है लेकिन ऐसे भी तो दिन के गिन गिन गिंच के चुन तो दिन चारी बचे हैं तो बहुत समय इनके पास है भी नहीं सी दे हैव पुट पोस्टर्स ऑल ओवर द सिटी सेइंग टाइगर रिटर्न्स बट वी थिंक दिटी द करप्शन रिटर्न विच इज मोर अप्रोप्रिएट ऑफ अ पोस्टर बिकॉज द फर्स्ट रेजिम ऑफ हेमंत सोरेन पार्ट वन वॉज मार्क् वाइड स्केल करप्शन वेन Corruption had become state sponsored corruption. All the people close to Heman Sorin were accused of massive, massive corruption to the tune of 70,000 crore, and most of them are behind the bars. And even Heman Sorin came out behind the bars after five months. So we think that whatever is going to happen, they are. Pushed a flow test on the state unnecessarily. Champai Soren has been removed because he did not belong to the Soren family. He was born in a small and poor family, and that's why he had no say in JMM. In JMM also, it is the family which calls the shots, and that's why Champai Soren had to be. Unceremoniously removed. Now, Heman Soren may win the flow test as he claims, because he claims he has the numbers, but he has lost the confidence of the people of the state by wide scale corruption, by atrocities against female, by uh, taking the unemployed for a ride, by not fulfilling his promises of uh, Krishi loan uh, and uh, Many other things that he had promised in his manifesto, he has done a U-turn. It this government will be remembered as a dark chapter in Jharkhand's history for having looted his state checker to the tune of 70,000 crores. See, people are calling it a strategic smart move of the Hemant Soren that he has not called the cabinet expansion before the floor test, but we call it the dar. The chief minister is scared that once he Makes the cabinet ministers and makes them swear, then the Pandora's box will open. Because in this uh, old cabinet, also, there were ministers against whom massive corruption charges were actually alleged. And nobody would want to let go of the last two, three months and loot more. And there are new ministers who pe want to become ministers for the simple reason. That they want to loot for the next two, three months. So, this government has got only one motto it's not to serve the people, it's to loot the state. And that's why there is a mad scramble for becoming the minister, but not for serving the people, for serving their own needs.